हेलो गाइस, वेलकम टू एबी फार्म कराची। आज की हमारी वीडियो होने वाली है सिकलेट टैंक के ऊपर। सिकलेट टैंक के अंदर हम सैंड ऐड करने लगे हैं, जैसे कि मैं अभी सैंड लाया हूँ। अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, फैजान भाई, उनकी शॉप से मैं लाया हूँ और इसको मैं अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया था, बहुत दफ़ा वॉश किया था, लेकिन फिर भी डस्ट बाकी थी, लेकिन वो डस्ट बाद में क्लियर कर ली थी मैंने। तो ये अब मैं इसको डालने लगा हूँ और देखते हैं कैसा लुक देती है, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लैक नहीं डाल रहा, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक, रैक भी ब्लैक कर दिया तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक आउट हो जाएगा। तो भाई ये सैंड मैंने जो जहाँ से ली है फैज़ान भाई, अगर आप लोग को चाहिए, उनके पास बहुत अच्छी और डिसेंट प्राइस में चीज़ें होती हैं, तो मैं उनका नंबर, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट्स में उनका नंबर दे दूँगा। उनके पास फिशेज वगैरह बहुत कुछ होती हैं। तो खैर चलें वीडियो पर आते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि आप कितना डिसेंट लुक दे रही है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है, इसके अंदर वाइट वाइट थोड़ा टच है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके साथ जब हम स्टोन ऐड करेंगे, एक्चुअली मैं, आप सब लोगों को आइडिया होगा कि मैं ब्रीडिंग वगैरह कराता हूं, तो मैं बियर बॉटम को प्रेफर करता हूं, लेकिन ये टैंक जो है मैं सिकलेट का अपने शौक से बना रहा हूं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा स्केपिंग भी करूंगा और मतलब देखते हैं। तो ये स्टोन वगैरह हैं, कुछ स्टोन्स मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, मैंने जितने सारे स्टोन्स मेरे पास मौजूद थे मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं आप कि ये कितना अच्छा लुक दे रही है। तो अभी एक रैंडमली मैंने इसको सारे स्टोन वगैरह रख दिए हैं, तो आप लोग मुझे बताएगा ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं इसमें चेंजेस करता रहूँगा। ठीक है, कोशिश मेरी थी कि एक ही कलर के, एक ही डिज़ाइन के मैं इसको लावा रॉक्स रखूँ, लेकिन लावा रॉक्स अरेंज नहीं हो पाए थे ज़्यादा, तो मैं अब इन्हीं रॉक्स के ऊपर मैं काम चलाने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी सिकलेट्स बड़ी हैप्पी हैं, उनको एक हाइडिंग स्पेस मिल गया, क्योंकि मलावी सिकलेट जो होती हैं इसमें जो एम्बुना हो गई, ये सब हो गई, ये थोड़ा हाइडिंग स्पेस मांगती हैं, छुपने वाली जगह। तो इसको उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और मुझे आइडियाज़ भी देगा कि मैं स्केपिंग कैसे करूँ, क्योंकि मैं चेंज करता रहूँगा। चलिए मैंने इसके कुछ शॉट्स लिए हैं, वो देखते हैं।